नमस्कार, आप सभी ने नीट एक्सेल बैच में लेक्चर 25 तो पढ़ लिया, जिसमें आपने जेनेटिक्स का पहला चैप्टर यानी पांचवां चैप्टर आपने पूरी तरीके से पढ़ा। अब आते हैं छठे चैप्टर, जो कि वंशांगति के आणविक आधार पर, जो आपको बताएगा कि ये वंशांगति का आखिर ये आणविक आधार क्या है, कौन सा अणु ऐसा है जो वंशांगति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा अणु है जो माता पिता से लक्षणों को संतान में लेकर आता है। इसमें आपको बताया जाएगा कि मेंडल के नियम में मेंडल ने सब कुछ बताया कि कैसे वंशांगति होती है, लक्षण कैसे माता पिता से संतान में आते हैं, लेकिन ये वो नहीं बता पाए कि आखिर वो कौन सा अणु है जिसके माध्यम से ये लक्षण आते हैं। तो बाद में बहुत सारे प्रयोगों से पता चला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है जो लक्षणों को माता पिता से संतान में लेकर जाता है। अब डीएनए चूंकि एक न्यूक्लिक अम्ल है, तो मनुष्य में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। याद कर लीजिए, मनुष्य में सिर्फ दो ही प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। अब इसमें से सबसे ज़्यादा जो सिद्ध हुआ है वो ये कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन याद रखेंगे आरएनए भी कुछ जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। याद करिए, डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है सभी जीवों में, अधिकांश जीवों में कहेंगे, अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन कुछ ऐसे विषाणु हैं जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। वे कौन से विषाणु हैं, उनके याद करिए, इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी वायरस, तंबाकू मोजैक वायरस, कोरोना वायरस, इन सभी के जो आनुवंशिक पदार्थ हैं वो डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है, याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। तो डीएनए सभी अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन आरएनए भी कुछ जीवों में, जैसे विषाणुओं में, कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी, टीएमवी, कोरोना आदि। अब यहां पर आपको बताया जाएगा कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, बता दिए, एग्जांपल भी आपको बता दिए, एग्जांपल पूछा जाता है। आरएनए के अन्य और भी अतिरिक्त कार्य होते हैं, जैसे आरएनए एक अनुकूलक के रूप में संरचनात्मक कुछ स्थितियों में उत्प्रेरक अणु का काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा न्यूक्लिक अम्ल है जो एक उत्प्रेरक का भी काम करता है, एक कैटलिस्ट का भी काम करता है, तो वो है आरएनए। न्यूक्लियोटाइड की संरचना व एकल इकाइयों से जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल बहुलक बनने की आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, ये सारी चीज़ें आपको इस अध्याय में बताया जाएगा। डीएनए प्रतिकृति के बारे में कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है अनुलेखन, और फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन रूपांतरण के बारे में आपको बताया जाएगा। अब उसके बाद इधर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए, आते हैं डीएनए की संरचना पर। डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए क्या है, पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये किससे बना होता है, तो ये बना होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की एक लंबा बहुलक है, अब देखो ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है ना, किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड को, जिस न्यूक्लियोटाइड से डीएनए का निर्माण होता है, उसे, उस न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। समझ में आया। अब डीएनए क्या होता है, तो डीएनए किससे मिलकर बना होता है, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से बनता है। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से डीएनए का निर्माण होता है। क्योंकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से, एक तो नाइट्रोजन क्षार, दूसरा पेंटोस शर्करा और तीसरा फास्फेट समूह। तीन चीज़ों से मिलकर बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से तीनों चीज़ों के जुड़ने से एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ठीक, मान लो कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इस पर नाइट्रोजन क्षार है, इस पर फास्फेट समूह है, और ये आपका पेंटोस शर्करा है। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब इसी तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से जुड़कर, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर
डीएनए की एक श्रृंखला बनाते हैं, चूंकि डीएनए द्विरज्जु की श्रृंखला होती है, यानी एक रज्जु क्या हो गया, दूसरा रज्जु किसके सामने होता है, जो कि इसका जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा, उल्टे रूप में होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है नाइट्रोजन क्षार, तो आपका यहाँ पर जाएगा फास्फेट समूह, ठीक। उसके बाद यहाँ से जुड़ता है दूसरा पेंटोस शर्करा, जिसके यहाँ से नाइट्रोजन क्षार, यहाँ पर फास्फेट समूह। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा फास्फेट समूह। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा फास्फेट समूह, दो न्यूक्लियोटाइड इधर। अब ये आपस में नाइट्रोजन क्षार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। इस प्रकार से डीएनए के द्विरज्जुकों का निर्माण होता है। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहे हैं तत्काल वाला, क्योंकि अब टाइम उतना है नहीं कि आपको डिटेल बताया जाए। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का क्या है, बहुलक होता है, लंबा बहुलक। डीएनए की लंबाई की बात करें तो इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है। अब देख लो डीएनए की लंबाई कितना, अब मान लो किसी डीएनए में तीन न्यूक्लियोटाइड है, तो इतना लंबा होगा, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड, है ना, तो ये इतना लंबा हुआ। अब जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा डीएनए की लंबाई होगी। अब डीएनए की लंबाई के बारे में कुछ एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं जो आपके पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स दिए गए हैं। यहाँ पर दिए गए हैं कि या किसी भी जीव की विशेषता है कि उसमें अलग अलग डीएनए की नाइट्रोजन क्षारों की सॉरी न्यूक्लियोटाइडों की संख्या होती है, तो इस वजह से उसमें डीएनए की लंबाई अलग अलग होती है। एक एग्जांपल दिया गया है जीवाणु भोजी का, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं, जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। बैक्टीरियोफेज जिसका नाम है 5 × 174 इसका नाम है, इसमें कुल 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, यानी इसके डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे, 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। जीवाणु भोजी लैम्बडा में, सब क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जीवाणु भोजी 5 × 174 में कितना पाया जाता है, 5386, और बैक्टीरियोफेज लैम्बडा में कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, 48,502। उसके बाद बात करें एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई में कितना पाया जाता है, तो 4.6 × 10⁶ क्षार पाए जाते हैं, क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो चाहे क्षार युग्म कहिए चाहे न्यूक्लियोटाइड कहिए, बात एक ही है। क्षार युग्म का मतलब ही है क्षार तो तभी होंगे ना जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा, तो क्षार युग्म कहिए चाहे न्यूक्लियोटाइड कहिए, बात एक ही है। कह रहे मनुष्य की आगुणित डीएनए में इतने क्षार युग्म होते हैं। अब आगुणित डीएनए की बात की गई है, आपको मैंने बताया है 2n का मतलब होता है 46 गुणसूत्र मनुष्य की बात करें, और आगुणित n का मतलब होता है 23 गुणसूत्र। और गुणसूत्र पर ही क्या होते हैं डीएनए, गुणसूत्र डीएनए से ही बने होते हैं, तो डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार की संख्या यहाँ पर बताई गई है वो इसकी बताई गई है कि 23 गुणसूत्र में इतने नाइट्रोजन क्षार युग्म पाए जाते हैं। मनुष्य की एक कोशिका जो आगुणित है उसमें, जिसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन क्षार युग्मों की संख्या इतनी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य की एक कोशिका में, आगुणित शब्द ना बोले और कहे कि एक कोशिका में उसके डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तब आप क्या बताओगे, इसी में आपको 2 का गुणा कर देना है, क्योंकि इसमें 23 गुणसूत्र में क्षार युग्मों की संख्या बताई गई है, तो 46 में कितनी होंगी, इसका दुगुना 2 × 3.3 × 10⁹। अब गुणा कर लीजिए 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स पाए जाते हैं मनुष्य की एक द्विगुणित कोशिका में, डीएनए में इतने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। क्लियर है बात। अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो डीएनए की लंबाई कैसे निकालते हैं, अभी हम आपको डीएनए के बारे में कुछ और बातें बताएंगे कि डीएनए में अगर आप देखो तो ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा फास्फेट समूह। चलो पहले हम डिटेल आपको बता दें डीएनए की संरचना के बारे में। डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड किन चीज़ों से बना होता है, नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह, ठीक है, ये सुगर बोलेंगे यहाँ पर, हम पेंटोस शर्करा ना बोलेंगे, सुगर बोलेंगे, एस और फास्फेट समूह, NSP, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस, सुगर एंड फास्फेट समूह ग्रुप से मिलकर बना होता है एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये कैसे होता है, देखो सुगर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबोज सुगर और एक होता है राइबोज सुगर, राइबोज शर्करा या सुगर। तो जो राइबोज शर्करा होती है वो आरएनए में पाई जाती है, और डीऑक्सीराइबोज जो शर्करा होती है वो डीएनए में पाई जाती है। अंतर क्या है दोनों में, उसकी संरचना में अंतर होता है, देखिए
थोड़ा सा और सही बना दें। पेंटोज शर्करा, देखो शुगर जो होता है वो पेंटोज होता है, पेंटोज का मतलब होता है पंच कार्बनीय शर्करा, ऐसा शर्करा जिसमें पांच कार्बन हो। तो पांच कार्बन होते हैं, देखिए एक यहाँ पर, एक दो तीन और चार, और यहाँ पर एक और होता है CH2 और फिर OH, और यहाँ पर भी OH होता है। तो पेंटोज शर्करा में पांच कार्बन होते हैं, एक कार्बन, दो तीन चार पांच, यहाँ पर नंबरिंग यहीं से शुरू करते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ठीक पांच कार्बन होते हैं, इसलिए इसे पंच कार्बनीय शर्करा पेंटोज शर्करा कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, अंतर क्या है दोनों में? तो अगर हम राइबोज की बात करें, राइबोज शर्करा में, तो राइबोज शर्करा में अगर आप देखोगे तो इसमें सेकेंडरी कार्बन पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप होता है, टर्सरी कार्बन पर भी इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन हम बात करें, अब ये तो हो गया राइबोज शर्करा, जिसके राइबोज शर्करा में सेकेंडरी और टर्सरी दोनों कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। अगर हम बात करें डीऑक्सीराइबोज शर्करा का, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा का भी सेम यही कंडीशन होता है, बस एक अंतर होता है। कौन सा अंतर होता है देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर आपका OH। अब इसमें भी देखिए पांच कार्बन है, एक दो तीन चार और पांच, सॉरी पांच कार्बन डीऑक्सीराइबोज शर्करा, लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा के सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है, लेकिन इसके टर्सरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, ठीक। बस यही अंतर होता है RNA और DNA में। RNA के राइबोज शर्करा में सेकेंडरी और टर्सरी दोनों कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जबकि DNA में उसके सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल की जगह पर हाइड्रोजन कार्बन होता है, सॉरी हाइड्रोजन ग्रुप होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा में। अंतर पता चली। अब हम बात करेंगे, हमें RNA की संरचना को भी नहीं पढ़ना, हमें DNA की संरचना को पढ़ना है, तो हम बात करेंगे डीऑक्सीराइबोज शर्करा के बारे में। तो देखो एक न्यूक्लियोटाइड का संरचना कैसा होता है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। अब चूंकि ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, इसलिए यहाँ पर हम DNA की संरचना पढ़ रहे हैं, OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, हम पढ़ रहे हैं DNA की संरचना। तो DNA में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जिसके सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है। अब बात करते हैं कि इसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन क्षार और शुगर और फास्फेट। तो जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो कहाँ जुड़ता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राइमरी कार्बन, हम नंबरिंग कार्बन की यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। तो जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन से जुड़ता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से हट जाता है, नाइट्रोजन क्षार आके जुड़ जाता है। तो जब पेंटोज शर्करा के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है, तो इस संरचना को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड बराबर शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। अगर हम बात करें कि अब दो चीज़ें तो जुड़ गई, अब तीसरा कहाँ जुड़ेगा, फास्फेट समूह, तो फास्फेट समूह जुड़ता है पेंटोज शर्करा के पांचवें कार्बन पर, फास्फेट समूह जुड़ जाता है। तो जब फास्फेट समूह भी जुड़ जाता है, तब ये संरचना न्यूक्लियोसाइड नहीं कहलाती, क्या कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, टाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बराबर क्या होगा, नाइट्रोजन क्षार प्लस शुगर प्लस फास्फेट समूह, ठीक, आया समझ में। साइड और टाइड में अंतर रखिएगा, साइड का मतलब होता है सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस, टाइड का मतलब होता है नाइट्रोजन बेस, शुगर, फास्फेट, तीनों चीज़ें, क्लियर बात है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब इसी तरीके से DNA में नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, DNA में नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन जो होता है वो होता है एडेनिन और ग्वानिन, जो कि द्विचक्रीय होते हैं, इनकी संरचना द्विचक्रीय होती है, डाइसाइक्लिक होती है। और पिरिमिडीन जो होते हैं वो भी तीन टाइप के होते हैं, वो होता है आपका थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, तीन प्रकार का होता है, ये एक चक्रीय होते हैं। अब DNA में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे कि DNA में अगर हम बात करें तो DNA में प्यूरीन, एडेनिन और ग्वानिन दोनों पाया जाता है, और साथ ही पिरिमिडीन में केवल थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। यूरेसिल DNA में नहीं पाया जाता, नोट कर लीजिए। यूरेसिल किस में पाया जाता है, RNA में पाया जाता है, RNA में यूरेसिल पाया जाता है, RNA में थाइमिन नहीं पाया जाता।
आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर बात है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ आपको, पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद देखें तो जब चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षार हैं तो न्यूक्लियोटाइड भी चार प्रकार के बनेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड होगा एडनिन वाला, दूसरा होगा थाइमिन वाला, तीसरा होगा साइटोसिन वाला और चौथा होगा ग्वानिन वाला। तो कुल चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए का निर्माण होता है अलग अलग क्रम में जुड़ने से। अब आते हैं हम बुक पे। हाँ, अभी मैं आपको इतना बता दिया डीएनए की संरचना के बारे में। चलो लंबाई के बारे में भी आगे बात करेंगे। इधर देख लीजिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएं, एक न्यूक्लियोटाइड फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, तो इस तरह से जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड की संख्या। तो डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। डीएनए चाहे आरएनए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। इनकी रासायनिक संरचना संक्षेप में है, जैसे न्यूक्लियोटाइड के तीन घटक होते हैं नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शर्करा फास्फेट समूह, आपको बता चुके हैं। पेंटोज शर्करा जो होती है वो आरएनए में होती है राइबोज और डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज, बता चुके हैं। अंतर भी बता दिए हैं, अंतर भी पूछा जा सकता है कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में अंतर बताइए। तो डीऑक्सीराइबोज में सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं पाया जाता, राइबोज शर्करा में सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। एक फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन, हाँ ठीक है, एक फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। तो प्यूरीन कौन कौन से होते हैं, एडनिन और ग्वानिन। अब इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडनिन क्या है, प्यूरीन है या पिरिमिडीन, तो बताओगे एडनिन प्यूरीन है। एडनिन और ग्वानिन प्यूरीन्स होते हैं। पिरिमिडीन होती है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो बता चुके हैं कि थाइमिन किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में मिलता है, जबकि थाइमिन डीएनए में केवल मिलता है, थाइमिन आरएनए में नहीं पाया जाता। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में मिलता है। नाइट्रोजनिक क्षार नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़े होते हैं। अब बंध का नाम भी याद करेंगे, बंध का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये हो गया आपका पेंटोज शर्करा। तो पेंटोज शर्करा के जो प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है उसके बीच जो बॉन्ड होती है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंध। याद करिए कि एक पेंटोज शर्करा पर नाइट्रोजन क्षार किस बंध द्वारा जुड़ा होता है, नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। एक पेंटोज शर्करा पर फास्फेट समूह किसके किस बंध द्वारा जुड़ा होता है, तो फास्फेट समूह जिस बंध द्वारा जुड़ा होता है इस बंध को कहते हैं फास्फोएस्टर बंध, फास्फोएस्टर बंध। तीसरे कार्बन से जुड़ता है दूसरा न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह, ठीक। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बंध द्वारा जुड़ा होता है, तो इसे कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध, ठीक है, याद करिए इतनी बातें। नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शर्करा किस कार्बन से जुड़ता है, प्राइमरी कार्बन से, किस बंध द्वारा, एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। फास्फेट समूह पेंटोज शर्करा किस कार्बन से जुड़ता है, पांचवें कार्बन से, किस बंध द्वारा, फास्फोएस्टर बंध द्वारा। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के किस कार्बन से जुड़ता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे कार्बन के तीसरे कार्बन से जुड़ता है फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। क्लियर है बात, आइए देखें। तो इतनी बातें आप जान चुके हैं कि प्राइमरी कार्बन हाइड्रोक्सिल से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, एडनोसिन डीऑक्सी एडनोसिन जिसे कहते हैं। जैसे मान लो कि पेंटोज शर्करा पर नाइट्रोजन क्षार एडनिन आया है तो उस न्यूक्लियोसाइड को कहते हैं एडनोसिन, या उसे कहेंगे डीऑक्सी एडनोसिन। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उन्हीं के नाम पर न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड के नाम रखे जाते हैं। अब मान लो अगर ग्वानिन जुड़ा है तो उसे कहेंगे डीऑक्सी ग्वानोसिन, यहाँ पर लीन लिखा हुआ है, सीन होगा। साइटिडीन है तो डीऑक्सी साइटिडीन, अगर यूरिडीन है तो कहेंगे डीऑक्सी यूरिडीन, और डीऑक्सी थाइमिडीन, अगर थाइमिन है तो डीऑक्सी थाइमिडीन, यूरिडीन तो होना नहीं चाहिए, आरएनए में होगा। जब फास्फेट समूह फास्फेट बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के फाइव कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है तब उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जब पेंटोज शर्करा के पांचवें कार्बन से कौन जुड़ता है, फास्फेट समूह जुड़ता है, किस बंध द्वारा, फास्फोएस्टर बंध द्वारा, ठीक, तब उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड 3' और 5' फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3' 5' फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब ये 3' 5' क्यों कहते हैं, इसको ध्यान से समझो, कुछ नहीं है, सब बहुत आसान है, बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है।
कि आपने कितना पढ़ा है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल बताया है। अब एक बार फिर से आप हमें परेशान कर रहे हो, तो चलो। फास्फेट समूह है पांचवें कार्बन पर, और ये आपका तीसरा कार्बन है, जिससे क्या जुड़ेगा, तीसरे कार्बन, देखो तीसरे कार्बन से जुड़ता है ना फास्फेट समूह, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पांचवें कार्बन का, ठीक है। तो अब देखो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कहाँ जुड़ते हैं, तीसरे कार्बन, एक पेंटोस प्रकार के तीसरे कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन, इसीलिए इसे कहते हैं, इन दोनों के बीच का जो बंध होता है उसे कहते हैं 3-5- फास्फोडाइएस्टर बंध, ठीक, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच बना है इसलिए इसे हम फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड हो गए तो डाई न्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जुड़कर पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस तरह से निर्मित बहुलक के राइबो शर्करा के 5- किनारे पर स्वतंत्र फास्फेट समूह मिलता है, जिसे पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का फास्फेट 5- किनारा कहते हैं। ठीक इसी तरीके से बहुलक के दूसरे किनारे पर शर्करा मुक्त होती है तीसरे कार्बन की। अब इसको समझो कि ये 3- और 5- क्या होते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना कि DNA की संरचना ये है, तो यहीं पर लिखा होता है 3-5 बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा होता है 3-, यहाँ पर 5-, यहाँ पर लिखा होता है 5-, यहाँ पर लिखा होता है 3-, तो ये क्या है 3-5-? आप देखो कभी भी किसी भी, आप यहाँ पर अगर हम बात करें कितना भी न्यूक्लियोटाइड जोड़ दो, एक सिरा तो यहाँ पर फ्री रहेगा, फ्री रहेगा ना, मुक्त रहेगा, और एक सिरा यहाँ पर फ्री रहेगा। हम बात करें अगर समूह की, जैसे यहाँ पर फास्फेट समूह है तो यहाँ पर OH समूह है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बात नहीं करते हैं हम, हाइड्रोक्सिल और फास्फेट समूह की बात करते हैं। तो कितना भी न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ दो, इसके पहले वाले न्यूक्लियोटाइड पर ये फास्फेट समूह फ्री होता है, मुक्त है, इससे कोई और न्यूक्लियोटाइड जुड़ सकता है। अब इधर बात करें तो इधर भी तीसरे कार्बन पर अगर आप देखें तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो भी मुक्त है, फ्री है, यह भी किसी से जुड़ सकता है। तो जो मुक्त सिरे होते हैं, फ्री एंड्स होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है 3-5-, क्यों कहते हैं, उसके कार्बन की संख्या के आधार पर। जैसे देखो ये 5- कार्बन पर फ्री है तो इसे क्या कहेंगे, 5- सिरा, ठीक है, क्या कहेंगे, 5- सिरा। और यहाँ पर देखो तीसरा कार्बन मुक्त है, इस हाइड्रोक्सिल से कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ा है, तो इसे कहेंगे 3- सिरा या 3-एंड, ठीक है, वो यही है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है उसका 3-एंड खाली है, कोई न्यूक्लियोटाइड इस पर नहीं जुड़ा है। इसका मतलब होता है कि इस सिरे पर 5- का कार्बन जो है उस पर जो फास्फेट वो मुक्त है, ठीक, कह रहे हैं। ठीक इसी तरीके से किनारे पर शर्करा 3-हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 3- किनारा कहते हैं। अब यहाँ पर जो फिगर दिया गया उसमें यही बताया गया है। ये देखो एक है, ये है सुगर, ये है आपका फास्फेट और ये है आपका नाइट्रोजन बेस। तो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का जो तीसरा कार्बन होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, दूसरे से तीसरा जुड़ता है, तीसरे से चौथा जुड़ता है। अब जितना भी आप न्यूक्लियोटाइड जोड़ दे जाओ तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। कितना भी न्यूक्लियोटाइड जोड़ दो, एक सिरा फास्फेट समूह का इधर मुक्त रहेगा, खाली रहेगा, एक सिरा यहाँ पर हाइड्रोक्सिल का मुक्त रहेगा, क्योंकि ये आपस में ऐसे जुड़ नहीं जाते, सर्कुलर नहीं होते, ये ऐसे होते हैं। तो एक सिरा मुक्त होगा, एक सिरा इधर मुक्त होगा। तो जो सिरा फास्फेट समूह का मुक्त होता है उसे हम कहते हैं 5- सिरा, और जो सिरा 5- के अंतिम में हमेशा 3- सिरा मुक्त होगा, तो ये 5-3 श्रृंखला कहलाएगी। अब इसी के अपोजिट अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है वो इसका अपोजिट होती है। इधर 5- है तो इधर 3- होगा, और इधर 3- है तो इधर 5- एंड होगा। तो दो श्रृंखला आपस में मिलकर DNA की दो रज्जु का निर्माण करती हैं, ठीक। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण शर्करा व फास्फेट करती हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। जो बेस होता है नाइट्रोजन DNA का जो बेस होता है ये कहते हैं रज्जुक, ये उसका आधार है, DNA का आधार है। तो ये किसका बना होता है, ये बना होता है फास्फेट प्लस सुगर, ये बने होते हैं फास्फेट प्लस सुगर पूरा। और अंदर की तरफ जो होता है, जो डंडी दिखाई जाती है, वो होता है नाइट्रोजन क्षार। एक इस न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन क्षार तो दूसरा इस न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार आपस में किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा।
ठीक है, जैसे यहाँ पर एडनिन है तो एडनिन जुड़ा होता है थाइमिन से हमेशा दो हाइड्रोजन बंध के द्वारा। साइटोसिन है तो इधर होगा गुआनोइन और ये जुड़ते हैं तीन हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ठीक, इस प्रकार से एक डीएनए का निर्माण होता है जो आप ऐसे बनाते हो। ठीक है, ऐसे। ठीक, और उसके बाद कह रहे हैं कि नाइट्रोजन क्षार शर्करा अंश से जुड़ा होता है जो आधार से प्रक्षेपित होता है। नाइट्रोजन क्षार शर्करा अंश से जुड़ा होता है जो आधार से प्रक्षेपित होता है। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष राइबोज की सेकेंडरी जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रोसिल समूह होता है। तो जो आपको बता दिए कि आरएनए में जो राइबोज शर्करा होता है उसके सेकेंडरी कार्बन पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये एक अंतर है डीएनए और आरएनए में, इसको याद करते चलिए कि डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है उसके सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, आरएनए में जो पेंटोज शर्करा होती है उसके सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये अंतर हो गया। और दूसरा अंतर यह है कि आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, थाइमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में केंद्र में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की। पूछा जा सकता है डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने। इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रखा। ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलक को तकनीकी कमियों के कारण विलगित करना कठिन था, इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। उसके बाद जब मॉरिस विल्किंस और रोजनेल फ्रैंकलिन ने एक्सरे विवर्तन टेक्निक के द्वारा कुछ आंकड़े तैयार किए डीएनए के बारे में, उसका प्रयोग किया जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, तब जाके जेम्स वाटसन और क्रिक ने अपना डीएनए का द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सरे विवर्तन किसने किया था, तो एक्सरे विवर्तन डीएनए का मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए का द्वि कुंडली मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था, द्वि कुंडली मॉडल दिया था। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किस तकनीक का प्रयोग करके डीएनए के द्वि कुंडली का संरचना का खोज किया था, तो वो मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे विवर्तन द्वारा आंकड़ों के आधार पर इसका वर्णन किया था। उनके प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की दो लड़ियों के बीच क्षार युग्मन की उपस्थिति एक बहुत प्रमाणित श्रृंखला थी। उपरोक्त प्रस्ताव द्विकुंडली डीएनए के इरविन चार ग्राफ के परीक्षण के आधार पर थी, जिसने बताया कि एडनिन और थाइमिन और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच अनुपात हमेशा समान होता है डीएनए में। तो ये अकेला जेम्स वाटसन और फ्रैंकलिन ने, फ्रांसिस क्रिंक ने, ये दोनों ने डीएनए के जो द्विकुंडली मॉडल है अकेले नहीं दिया था, इन्होंने कुछ आधार रखे थे। वो आधार क्या थे, पहला मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन के द्वारा दिए गए एक्सरे विवर्तन का आंकड़ा, साथ ही एरविन चारगाफ का जो नियम था उसके आधार पर उन्होंने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल तैयार किया। एरविन चारगाफ क्या कहते हैं, एरविन चारगाफ कहते हैं कि हमेशा डीएनए में एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर होती है, ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि एडनिन और थाइमिन हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्डों के द्वारा जुड़े होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा तीन हाइड्रोजन बॉन्डों के द्वारा जुड़े होते हैं। उन्होंने बताया कि हमेशा एडनिन के साथ थाइमिन ही जुड़ता है, ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन ही जुड़ता है डीएनए में। अगर हम बात करें आरएनए में, तो आरएनए में एडनिन के साथ जुड़ता है यूरेसिल, थाइमिन नहीं पाया जाता आरएनए में, और ग्वानिन के साथ जुड़ता है तीन हाइड्रोजन बॉन्ड साथ साइटोसिन। क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की एक खास विशेषता है, ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए एक रज्जु के स्थित क्रमों के बारे में जानकारी दूसरे रज्जु के क्षार क्रमों कल्पना कर सकते हैं। यानी हम एरविन चारग्राफ ने जो बताया कि डीएनए के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ता है, इस प्रकार से हम डीएनए में अगर एक क्षार के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के हमें श्रृंखला ज्ञात है तो उसका दूसरा हम निकाल सकते हैं। कैसे, देख लीजिए, अगर मान लो एक श्रृंखला दी गई थाइमिन एडनिन ग्वानिसिन साइटोसिन साइटोसिन एडनिन थाइमिन, डीएनए की एक श्रृंखला दी गई है, तो उसका दूसरा श्रृंखला नहीं निकाल पाओगे। अगर मान लो ये 3-5 दिया गया है तो 5-3 नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है कि एडनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है और थाइमिन के साथ हमेशा एडनिन जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ता है, साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन जुड़ता है, साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन जुड़ता है, एडनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है, थाइमिन के साथ हमेशा एडनिन जुड़ता है, तो दूसरी श्रृंखला नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे अगर एक श्रृंखला हमें दी गई है तो। तो इस प्रकार से एक रज्जुक में स्थित क्षार क्रमों के बारे में जानकारी हो तो दूसरे हम क्षार क्रमों की कल्पना कर सकते हैं। यदि डीएनए इसे पैतृक डीएनए की प्रत्येक रज्जुक नए रज्जुक के संश्लेषण तो टेम्पलेट का कार्य करती है। इस तरह से ये दो रज्जुक की डीएनए जिसे संतृप्त डीएनए कहते हैं निर्माण करता है, जो पैतृक डीएनए के अणु के समान है। इस कारण से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिल सकी। अब देखिए, कह रहे हैं कि द्विकुंडली डीएनए की संरचना की खास विशेषता क्या है, तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खास विशेषता क्या है कि ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। मैंने बताया ना, एक श्रृंखला ये हो गई तो दूसरी श्रृंखला ये हो गई।
जिसका आधार जो होता है शर्करा फास्फेट का बना होता है, यानी ये जो आधार है वो शर्करा और फास्फेट से मिलकर बना होता है, और भीतर की ओर क्या होते हैं क्षार प्रक्षेपित होते हैं, यानी अंदर की तरफ नाइट्रोजन क्षार इस तरह से प्रक्षेपित होती हैं। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर ध्रुवता रखती है, यानी एक है 3-5- तो दूसरा होगा 5-3-, एंटी पैरेलल होती है, 3-5- है, अगर मान लो इधर 3-5 है तो इधर क्या होगा 5-3 होगा, एंटी पैरेलल होती हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा युग्मित होते हैं, यानी दोनों अगर हम नाइट्रोजन क्षार की बात करें तो ये दोनों आपस में किससे जुड़ी होती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। एडनिन हमेशा थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन, गुआनिन साइटोसिन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। एडनिन थायमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं आपस में 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, और ठीक इसी तरीके से ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है। अब यहाँ पर डीएनए के द्वि कुंडली संरचना के बारे में बात की गई है, यानी एक जो दिया गया 5-3-सिरा तो उसका जस्ट अपोजिट होगा नीचे 3-5-सिरा। अब ये दिखा रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एडनिन नाइट्रोजन क्षार है, एडनिन के सामने हमेशा थायमिन जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से, थायमिन के साथ हमेशा एडनिन जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ग्वानिन है तो ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, साइटोसिन है तो वो ग्वानिन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। बस दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित होती हैं। अब देखो दक्षिणावर्ती का मतलब क्या होता है, राइट हैंडेड फैशन में अगर हम इस हाथ को ऐसे घुमाएं तो इसे कहते हैं राइट हैंडेड फैशन है दक्षिणावर्ती। तो ये देखो डीएनए है ना ऐसे घुमा होता है, मान लो अगर हम इसको सीधा करें पकड़ के ऐसे मोड़ दें इधर तो कैसा हो जाएगा, सीढ़ी नुमा संरचना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसको अगर हम पकड़ के अगर हम इस तरह से इसको पकड़ के ऐसे घुमा दें तो जो संरचना बनती है वही डीएनए की संरचना है। डीएनए सीधा नहीं होता है, दक्षिणावर्ती घुमा हुआ होता है, ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में मुड़ा हुआ होता है, याद कर लीजिए किस फैशन में, दक्षिणावर्ती कुंडलित होते हैं। कुंडली का पिच 3.4 नैनोमीटर का होता है। अब ये पिच क्या होता है, पिच का मतलब होता है एक पूरा घुमाओ चक्कर, तो देखो चक्कर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जाकर ख़त्म हुआ, ये ऐसे घूमकर ऐसे फिर संरचना बनी, ठीक है, तो इसे कहते हैं एक चक्कर, एक पिच कहते हैं इसे, क्या कहते हैं एक पिच। एक पिच की जो दूरी होती है वो होती है 3.6 नैनोमीटर, ठीक है, सॉरी 3.4 नैनोमीटर। ठीक, एक पिच की दूरी कितनी होती है याद करिए 3.4 नैनोमीटर। अब यहाँ पर एंगस्ट्रॉम की बात नहीं की गई है तो एंगस्ट्रॉम मत याद करना, आपको पता है कि एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर क्या होते हैं, नैनोमीटर बराबर होता है 10^-9 मीटर, और अगर आप एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो 10^-10 मीटर होता है, तो अगर हम इसे एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो लिखेंगे 34 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम में दी नहीं गई है इसलिए हम बात ही नहीं करेंगे। तो 3.4 नैनोमीटर होता है, और कह रहे हैं कि एक पिच में कुल 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब यहाँ पर 8 ही दिया गया, आप 10 बना लीजिएगा, एक यहाँ पर छुपा है, 9, 1, 10, ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक पिच में, कितने होते हैं 10 न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन, ये पेयर है ना क्षार युग्म कहते हैं इसे, बेस पेयर कहते हैं, बेस जोड़ा यानी क्षार युग्म, एक क्षार ये है इसका क्षार युग्म ये है, तो दोनों युग्म हो गए ना, जोड़ा बन गए, तो इसे कहते हैं क्षार युग्म। तो 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं एक पिच में, कितने क्षार युग्म होते हैं 10 क्षार युग्म। अब बताओ 10 क्षार युग्म की दूरी इतनी है, 10 क्षार युग्म की दूरी इतनी है, तो एक क्षार युग्म के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी एक क्षार ये है एक क्षार ये है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो क्या करेंगे 3.4 नैनोमीटर को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, निकल आएगा 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, यानी दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी, एक क्षार युग्म ये है एक क्षार युग्म है, इनके बीच की जो दूरी होती है वो आती है 0.34 नैनोमीटर। ठीक, उसके बाद वही कह रहे हैं एक पिच में 10 क्षार युग्म मिलते हैं, परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक क्षार युग्म के बीच की दूरी इतनी नैनोमीटर होती है। कह रहे हैं द्वि कुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं, इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडली संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है। हाइड्रोजन बंध क्या काम करता है, तो ये कुंडली संरचना को स्थायित्व स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब यहीं पर मैं आपको डीएनए की लंबाई के बारे में बता दूं, आपको पता है कि क्षार युग्म के बीच की दूरी कितनी होती है 0.34 नैनोमीटर। ठीक, अगर आपको किसी डीएनए की लंबाई दे दी जाए, डीएनए की लंबाई दे दी जाए
तो क्या आप उसमें बेस पेयर की संख्या बता सकते हैं? बेस पेयर की संख्या बता सकते हैं? बताइए, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर डीएनए की लंबाई दी गई है तो बेस पेयर की संख्या निकाली जा सकती है। कैसे? बेस पेयर की संख्या, बेस पेयर का मतलब यही नाइट्रोजन क्षार कितने हैं, तो नाइट्रोजन क्षार या बेस पेयर की संख्या बराबर क्या होगी? डीएनए की लंबाई जितनी दी गई है, डीएनए की लंबाई बटे क्षार युग्म के बीच की दूरी, क्षार युग्म के बीच की दूरी। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि उसमें कितने बेस पेयर हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में दिया भी गया है कि ई कोलाई में उसके डीएनए की लंबाई 1.36 इतनी मिलीमीटर दी गई है। ठीक, ई कोलाई में उसके डीएनए की लंबाई दी गई है, डीएनए की लंबाई दी गई है इतनी नैनोमीटर, सॉरी मिलीमीटर। तो पहले हम मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो ये आएगा 1.36 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद क्षार युग्म के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। इसको भी मीटर में बदलेंगे तो आएगा 3.4 × 10⁻⁹ मीटर। अब हमें बेस पेयर की संख्या निकालनी है, तो बेस पेयर की संख्या बराबर क्या आ जाएगा? डीएनए की लंबाई कितनी दी गई है? 1.36 × 10⁻³ और बटा बेस पेयर की दूरी, जो क्षार युग्म के बीच की दूरी है वो है 3.34 × 10⁻⁹। ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, और इसको अगर हम काटेंगे तो आएगा 4 × अब देखो 10⁻³ गुणे ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁹, और 9 में से 3 घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 4 × 10⁶ बेस पेयर आएंगे। यानी ई कोलाई के डीएनए में इतने बेस पेयर पाए जाते हैं, 4 × 10⁶ बेस पेयर। और अभी आपने ऊपर पढ़ा भी है कितने ही बेस पेयर ई कोलाई में पाए जाते हैं। फिर कह रहे हैं द्विकुंडली एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर स्थित होती है, इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडली संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है, ये पढ़ चुके हैं। प्यूरिन और पिरिमिडिन की संरचनात्मक तुलना करो, प्यूरिन और पिरिमिडिन की संरचनात्मक तुलना की बात कर रहे हैं, याद कर लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए। प्यूरिन होते हैं द्विचक्रीय, डाइसाइक्लिक नेचर के होते हैं। अब ये सब क्या है तो बहुत डिटेल हो जाएगा, मैं उतना नहीं बताऊंगा। पिरिमिडिन होते हैं एक चक्रीय, इनमें एक चक्री पाए जाते हैं, एक चक्र पाया जाता है। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच की दूरी हमेशा लगभग समान क्यों रहती है? तो इसका रीजन ही है प्यूरिन का आपस में पिरिमिडिन के साथ जुड़ना। डीएनए के द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव यूं प्रक्रमी है कि आनुवंशिक उलझाव को सरल तरीके से व्याख्या करने में सक्षम है। शीघ्र ही आणविक जीव विज्ञान में फ्रांसिस क्रिक ने मूल सिद्धांत सेंट्रल डोगमा का विचार प्रस्तुत किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी किसने दिया था? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी किसने दिया था, याद कर लीजिए, तो ये दिए थे फ्रांसिस क्रिक ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या कहता है? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी कहता है कि हमेशा जो आनुवंशिक सूचना है वो डीएनए से संचरित होती है आरएनए में, आरएनए से जब तब जाके प्रोटीन बनता है। आनुवंशिक सूचना का प्रवाह हमेशा डीएनए से आरएनए और उससे प्रोटीन की तरफ होता है, एक दिशात्मक। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से पहले डीएनए का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिकृति, रेप्लिकेशन, और फिर डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसे कहते हैं रूपांतरण या ट्रांसलेशन, जिसके डिटेल आपको इसी अध्याय में बताए जाएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका नीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही सीधे दे दिया गया था, और यहाँ पर ए बी सी डी करके पूछा गया था क्या है, तो आपको लगाना था, यहाँ पर लिखा था ए, ये बी था, ये सी था, ये डी था, तो ए बताना था कि प्रतिकृति, बी अनुलेखन, सी रूपांतरण और डी प्रोटीन। ठीक, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वही वायरस में, वायरस में क्या होता है, एक कड़ी और जुड़ जाती है वायरस में, चूंकि ऐसे वायरस जिसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का काम करते हैं, तब उसमें ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है। क्या हो जाता है, पहले आरएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसे कहते हैं रिवर्स डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, रिवर्स डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, क्लियर बात। तो जब वायरस में क्या होता है, तो वायरस में कौन से वायरस में, जिसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, कौन सा एग्जांपल, इन्फ्लुएंजा, टीएमवी, एचआईवी, कोरोना, इन सभी में रिवर्स डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी काम करता है। आरएनए से पहले डीएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए, फिर प्रोटीन बनता है।
आरएनए से डीएनए बनने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, खूब पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए आरएनए से डीएनए बनने के लिए आरएनए पॉलीमरेज यूज की जाती है। ठीक है, अब आता है, हाँ वही बता रहे हैं, कुछ विषाणुओं में उपरोक्त वहाँ विपरीत दिशा में होती है, आरएनए से डीएनए फिर डीएनए से एमआरएनए फिर प्रोटीन, तो उसे रिवर्स डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। हाँ वो आरएनए पॉलीमरेज बोल दिए हैं, उसको सही कर लीजिएगा, आरएनए से डीएनए बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। अब आता है डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। आपने देखा कि 20 पेयर की संख्या के अनुसार हम डीएनए की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि मनुष्य में उसकी आगुणित कोशिका में यानी 23 गुणसूत्र में 20 पेयरों की संख्या होती है 9 होता है, आगुणित कोशिका में इतनी होती है। तो द्विगुणित कोशिका में मतलब एक सामान्य कोशिका में, यहाँ की कोशिका में डीएनए कितना होगा, डीएनए में नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी होगी, तो इसी का दुगुना कर लीजिए 3.3 × 10⁻⁹, तो कितना आ जाएगा 6.6 × 10⁻⁹। अब बेस पेयर की संख्या दी गई है, तो क्या डीएनए की लंबाई नहीं निकाल पाएंगे? अभी आपने पढ़ा है कि बेस पेयर की संख्या बराबर डीएनए की लंबाई और प्लस क्षार युग्मों के बीच की दूरी, क्षार युग्म की बीच की दूरी, तो बीच की दूरी तो सदैव एक ही होगी, 3.34 नैनोमीटर होगी। तो अब डीएनए की लंबाई निकाल सकते हैं, क्या होगा डीएनए की लंबाई बराबर, डीएनए लंबाई बराबर बेस पेयर गुणे क्षार युग्म के बीच की दूरी यानी 3.4 नैनोमीटर। तो बेस पेयर की संख्या कितनी है, 6.6 × 10⁻⁹ और इसमें देखिए 0.34 × 10⁻⁹ और 10 प्लस 9 कट जाएंगे, अब इसके बीच आप गुणा कर लीजिए तो 6 × 3 = 18 लगभग आएगा 2.2 मीटर। यानी डीएनए की लंबाई, मनुष्य की डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। ये एक कोशिका की बात की जा रही है, एक कोशिका में डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर होती है, निकालोगे ना तो इतनी लंबी हो जाएंगी, 2 मीटर से ज़्यादा। तो आप बताओ कि डीएनए इतनी लंबी होती है तो किस प्रकार से एक ऐसे सेल में व्यवस्थित है जिसे हम खुद भी नहीं देख पाते, एक छोटे से सेल में, एक छोटी सी कोशिका के एक छोटे से केंद्रक में कैसे व्यवस्थित होती है, तो बहुत ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड होती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, एकदम कुंडलित होकर इतनी छोटी संरचना बनाती है। जैसे आप अगर पतंग उड़ाते तो पतंग उड़ाने में आपने देखा धागा इतना लंबा खींच दो और उसी को पकड़ के से मोड़ दो तो वो गांठ बन जाती है ना, तो उसी तरीके से डीएनए भी पैकेज्ड होता है, धागे के रूप में होता है, वो कुंडलित होकर इतने पैकेज्ड फॉर्म में होता है कि वो उस न्यूक्लियस में केंद्रक में अटा सके। देखो मनुष्य में डीएनए की लंबाई इतनी होती है, तो डीएनए कुंडली की पैकेजिंग का मतलब ये होता है कि आखिर इतना लंबा डीएनए कैसे केंद्रक में व्यवस्थित होता है, तो डीएनए पैकेज्ड होता है। कैसे पैकेज्ड होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, उसके चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन यही हैं आपके, हिस्टोन प्रोटीन चार प्रकार के होते हैं, वैसे तो देखा जाए डीएनए में 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन अगर बात करें न्यूक्लियोसोम में तो न्यूक्लियोसोम में 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। तो यहाँ पर आपका सिर्फ सिंगल दिया गया ना, तो सिंगल नहीं है ये कुल 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन के 2-2 अणुओं से, यानी ये 2-2 अणु हैं, ये मिलकर हिस्टोन ऑक्टेमर बनाते हैं। यानी 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन है, प्रत्येक के 2-2 अणु, तो 4 × 2 = 8, 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम हिस्टोन अष्टक या हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं। इस 8 हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए ऐसे बंधा होता है, अब यहाँ पर ऐसे बंधा, फिर आगे जाएगा, फिर 8 हिस्टोन प्रोटीन से बंधेगा, फिर आगे चल के 8 हिस्टोन प्रोटीन से बंधेगा, तो इस तरह से पैकेज्ड होता है। अब ये वाला तो मैंने आपको बता दिया कि इकोलाई के डीएनए की लंबाई इतनी है, तो उसके बेस पेयर की गणना के लिए तो कर हो चुका था, 4 × 10⁻⁶ आया था। असीम केंद्र, जैसे इकोलाई में स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में फैला नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से जुड़ा होता है और एक केंद्र का न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियाइड का निर्माण करता है।
यानी प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियाइड में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होता है, प्रोटीन से जुड़े होते हैं। अगर हम बात करें अपने सब कोशिकाओं के बारे में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो यह संरचना काफ़ी जटिल होती है, जिसमें धनात्मक प्रोटीन जो होते हैं, धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है। ये भी पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में। क्षारीय प्रोटीन होता है हिस्टोन। इस प्रोटीन का आवेश आवेशित पारो श्रृंखलाओं में स्थित अमीनो अम्ल की बहुलता पर निर्भर करता है। हिस्टोन में क्षारीय अम्ल लाइसिन और अर्जिनिन की अधिकता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिस्टोन में किस अमीनो अम्ल की अधिकता होती है? चूंकि हिस्टोन एक प्रोटीन है तो वो बना होगा अमीनो अम्लों से, तो इसमें लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है। दोनों अमीनो अम्ल के पार्श्विक श्रृंखला पर धनात्मक आवेश होता है। हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की इकाई बनाता है, जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है, यानी ये 4 हिस्टोन प्रोटीन है, प्रत्येक के दो दो अणु, इसका दो अणु पीछे, एक अणु उधर, एक अणु इसका इधर, एक अणु इसका इधर, ये 8 प्रोटीन हो गया। अब इससे डीएनए ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे, ठीक। तो हिस्टोन कितने डीएनए को रैप की होता है, मतलब डीएनए का इतना पार्ट अगर रैप्ड है एक हिस्टोन ऑक्टेमर के साथ, तो उस डीएनए में कुल कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? तो कुल 200 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, बेस पेयर पाए जाते हैं, क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है? तो अभी आपने देखा कि जो हिस्टोन प्रोटीन के 4 अणु होते हैं, 8 अणु होते हैं। इससे जब डीएनए ऐसे रैप होता है, तो डीएनए रैप और हिस्टोन प्रोटीन, इस पूरी संरचना को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम बराबर हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। तो न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसमें कुल कितने डीएनए पर कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 200 नाइट्रोजन क्षार, ठीक। केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलती है। अब मैंने बताया ना कि डीएनए है, तो 200 बेस पेयर के डीएनए, एक हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन अष्टक से जुड़कर न्यूक्लियोसोम बनाई, फिर 200 क्षार के बाद फिर 200 क्षार डीएनए दूसरा हिस्टोन अष्टक बनाया, उसके बाद इस तरह से कई सारे न्यूक्लियोसोम, डीएनए पूरी लंबाई में न्यूक्लियोसोम बनाकर व्यवस्थित होता है। तो अब बताओ कि एक धागा है, ऐसे ऐसे खूब सारे हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ठीक। ये देखो, ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ये हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ है। तो बताओ ये कैसा दिख रहा है? मोती की माला के तरीके से दिखाई दे रहा है ना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इसी को कहते हैं कि डोरी पर बीड्स, बीड्स ये सही हिंदी नहीं लिखे हैं, इनका जो इंग्लिश फॉर्म था वो था बीड्स ऑन स्ट्रिंग, इसका मतलब होता मोती की माला के समान। तो मोती के माला के समान दिखाई देती है, मोती के माला के समान दिखाई देती है ये न्यूक्लियोसोम का धागा। न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं, यानी एक न्यूक्लियोसोम, फिर दो न्यूक्लियोसोम, फिर तीन न्यूक्लियोसोम, कई सारे न्यूक्लियोसोम मिलते हैं, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। न्यूक्लियोसोम के इस पॉलीन्यूक्लियोसोम की संरचना को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह संरचना होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, अगर हम आप इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो देखिए मोती के माला के समान दिखाई पड़ती हैं। सैद्धांतिक रूप से तुम सोच सकते हो कि एक स्तनधारी कोशिका में ऐसे दाने की तरह की रचना की संख्या क्या हो सकती है? आप न्यूक्लियोसोम की भी संख्या निकाल सकते हो। आप बता रहे हो कि 200 नाइट्रोजन क्षार मिलकर एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, तो इससे न्यूक्लियोसोम की संख्या नहीं निकल पाएगी। टोटल बेस पेयर कितने पाए जाते हैं? 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं डीएनए पर। तो 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर हैं, 200 से डिवाइड कर दो, 200 से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा देख लो, 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 घट जाएगा, यानी 10⁷ हो जाएगा, और 2 से इसको काट दो, 3.3 × 10⁷ न्यूक्लियोसोम्स पाए जाएंगे डीएनए पर, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज छूट गया, ये देखो ये H1 हिस्टोन क्या होता है? तो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में, दो न्यूक्लियोसोम, अब यहाँ से भी दूसरा न्यूक्लियोसोम शुरू होगा, तो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसे H1 हिस्टोन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। डोरी पर
बीट सदी संरचना क्रोमेटिन में कोष्ठित होकर क्रोमेटिन धागे का निर्माण करती हैं, जो कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करती हैं, क्योंकि डीएनए से ही गुणसूत्र का निर्माण होता है। उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर हम हाई लेवल पर देखें तो क्रोमेटिन के पैकेजिंग के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसे हम गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन कहते हैं, इसे हम NCP भी कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग के लिए अन्य हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, अन्य गैर हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, NCP, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं, NCP। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो गलत लिखे हैं, NCC नहीं होता, NCP होता है। एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे देखो, आपके पास एक लंबी डोरी है, अगर आप उसको ऐसे थोड़ा सा लपेट दिए तो वो हल्का बंधा होगा, हल्के रंग का दिखाई देगा। काले रंग का अगर धागा है तो उसको हल्का सा घुमाओगे तो वो थोड़ा कम बंधा होगा, तो वो हल्के रंग का दिखाएगा। लेकिन अगर उसी को पकड़ के और मोड़ दो, छोटा हो जाएगा तो उसका कलर भी डार्क हो जाएगा। तो उसी तरीके से कह रहे हैं, जो क्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं, जो हल्के रंग के दिखाई देते हैं, उन्हें हम यू क्रोमेटिन कहते हैं। और वे क्रोमेटिन जो बहुत ज़्यादा पैक होकर कंडेंस्ड होते हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं, वे गाढ़े रंग के दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। तो यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब समझ में आया, यू क्रोमेटिन मतलब हल्के बंधे होते हैं और हल्के रंग के भी दिखाई देते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन काफ़ी टाइटली बंधे होते हैं, जिन्हें हम जो गाढ़े रंग के दिखाई देते हैं। अब आता है आनुवंशिक पदार्थ की खोज। आनुवंशिक पदार्थ की खोज में कई सारे प्रयोग किए गए, जिनमें आपको मैं कुछ बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताऊंगा। सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो ग्रिफिथ ने किया था। ग्रिफिथ ने किस बैक्टीरिया पर अपना प्रयोग किया था, तो यहाँ देख लीजिए, ग्रिफिथ के जो प्रयोग था उसे रूपांतरण प्रयोग कहते हैं। इन्होंने स्ट्रेप्टोक्यूकस निमोनी पर अपना प्रयोग किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो एक निमोकोकस जीवाणु है जो किस रोग को उत्पन्न करता है, निमोनिया रोग को उत्पन्न करता है। इन्होंने लैब में जब इस बैक्टीरिया को उगाया तो इसके दो टाइप प्राप्त हुए, एक एस स्ट्रेन प्राप्त हुआ और एक आर स्ट्रेन प्राप्त हुआ। एस स्ट्रेन को एस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्मूथ होता है, चिकनी होती है। क्यों चिकनी होती है, क्योंकि इनमें एक शर्करा बनती है जिसके कारण ये चिकनी दिखाई देती है। आर स्ट्रेन को आर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रफ होती हैं, खुरदुरी होती हैं, क्योंकि इनमें कोई भी शर्करा का निर्माण नहीं होता, शर्करा आवरण नहीं होता। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें शर्करा आवरण बनता है, एस स्ट्रेन में, किसमें नहीं बनता, आर स्ट्रेन में। कौन सा रोग उत्पन्न करने में सक्षम है, तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया रोग उत्पन्न कर सकती है, निमोनिया रोग उत्पन्न कर सकती है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर पाती। अब उन्होंने क्या किया, बारी बारी से इसको चूहे में प्रवेश कराया। इन्होंने क्या किया, पहले एस स्ट्रेन को बैक्टीरिया को चूहे में दिया, जीवित था बैक्टीरिया, तो चूहा निमोनिया रोग से ग्रसित होकर मर गया। आर स्ट्रेन को चूहे में दोगे तो चूहा नहीं मरेगा, क्योंकि आर स्ट्रेन रोग उत्पन्न नहीं कर पाता। अगर हम आर स्ट्रेन को चूहे में देते हैं तो चूहे नहीं मरते हैं। क्यों, क्योंकि आर स्ट्रेन रोग उत्पन्न नहीं कर पाता। अगर हम एस बैक्टीरिया को मार दें, गर्म करके हम जीवाणु को मार सकते हैं, इसीलिए आप देखोगे तो खाना पीना जो गर्म करके ही दिया जाता है, उबाल कर पानी पिया जाता है बैक्टीरिया को मार कर। तो उन्होंने, ग्रिफिथ ने भी यही किया, उन्होंने गर्म करके मृत एस बैक्टीरिया को चूहे में प्रवेश कराया। तो जब बैक्टीरिया मरा हुआ है तो चूहे में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होता, चूहा क्या होता है, जिंदा रहता है। लेकिन जब उन्होंने इस मृत एस बैक्टीरिया को जीवित आर बैक्टीरिया के साथ दिया चूहे में, तो चूहे में निमोनिया रोग हुआ और चूहा मर गया। अब बात समझ में नहीं आई, ऐसा क्या हुआ कि मृत एस बैक्टीरिया से जीवित आर एस बैक्टीरिया में क्या गया, जो जीवित आर बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया बना दिया, जिससे चूहे में निमोनिया रोग हो जाता है। तो इन्होंने ये बता नहीं पाए, ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि आखिर कौन सा मटेरियल था जो जीवित आर बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन उनका मानना ये था कि कोई ऐसा कारक है जो मृत एस बैक्टीरिया से आर बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ और आर बैक्टीरिया की कुछ कोशिका से एस बैक्टीरिया उत्पन्न हो गई। लेकिन ये बता नहीं पाया कि वो मटेरियल क्या था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, डीएनए था, ठीक है। बहुत सारी खोज के बाद पता चला कि वो मटेरियल क्या था, डीएनए था, जो डीएनए आर स्ट्रेन में चला गया
और डीएनए गर्म करने पर नष्ट नहीं होता। गर्म करने पर डीएनए के दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में अलग हो जाते हैं, फिर पुनः ठंडा होने पर दोनों जुड़ जाते हैं। तो गर्म करने पर डीएनए नष्ट नहीं होता और ये चला जाता है आर स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन में जाकर वो आर स्ट्रेन के कुछ जीवाणु को एस स्ट्रेन में रूपांतरित करने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि एस स्ट्रेन का डीएनए है, तो जिसका डीएनए होगा वैसा ही सेल बनेगा। तो एस स्ट्रेन जैसे ही चूहे के अंदर बनता है, चूहा निमोनिया रोग से ग्रसित होकर मर जाता है। तो इतना प्रयोग किया था ग्रिफिथ ने, इसीलिए इसके कहते हैं ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, फिर से वो चीज़ें दोहराने लायक नहीं है। अब उसके बाद ग्रिफिथ बता नहीं पाए कि कौन सा मटेरियल था जो मृत एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन में गया। इसका पता लगाने के लिए तीन साइंटिस्ट, जिनका नाम था ओवरी मैक्लाइड मैकॉर्टी, एवेरी मैक्लाइड और मैकॉर्टी, इन्होंने कार्य किया। उन्होंने ये जानना चाहा कि आखिर ऐसा कौन सा पदार्थ था एस स्ट्रेन से जो आर स्ट्रेन में गया, जिसके कारण आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में रूपांतरित हुई। इनको शक था कि तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्रोटीन हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, या डीएनए हो सकता है। ये प्रोटीन को नष्ट करने के लिए इसमें प्रोटीएज एंजाइम मिला दी, प्रोटीएज एंजाइम। आरएनए को नष्ट करने के लिए आरएनएज एंजाइम मिला दिए। यहाँ पर ये नहीं रहेगा शायद, आरएनएज एंजाइम मिला दिए। तो इससे प्रोटीन नष्ट हो गया एस बैक्टीरिया में, और आरएनए भी नष्ट हो गया, बचा डीएनए। बारी बारी से ये प्रयोग करा था, ऐसा नहीं है कि पहले इन्होंने आरएनए और डीएनए दोनों को निष्क्रिय किया, ठीक है, डीएनए एंजाइम से। इन पहले आरएनए और डीएनएज दिया, प्रोटीन को प्रोटीएज नहीं दिया। उन्होंने देखा कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब उन्होंने प्रोटीएज दिया इसे और डीएनएज दिया, आरएनएज नहीं दिया, तो भी एस स्ट्रेन से मृत एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो उन्होंने पाया कि प्रोटीन भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। केवल आरएनए की उपस्थिति से भी आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन नहीं बन रहा, यानी आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। जब उन्होंने डीएनए को नष्ट नहीं किया, आरएनए को आरएनए एंजाइम और प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम से नष्ट करके सिर्फ डीएनए को इसमें दिया, किसमें, मृत एस स्ट्रेन का सिर्फ डीएनए ट्रांसफर किया आरएनए आर स्ट्रेन में, तो आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बन गया। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है जो मृत एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर होती है, ठीक है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। यहाँ पर लिखा गया कि इसका मतलब क्या होता है, डीएनएज और डीएनएज। डीएनएज का मतलब होता है एक से अधिक डीएनए, और इस डीएनएज का मतलब होता है ऐसा एंजाइम जो डीएनए को नष्ट करता है। अब देखिए, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, इसका सर्वमान्य रूप से सुस्पष्ट प्रमाण, सर्वमान्य रूप से कौन से दिख किया डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने। इनका इन्होंने किस पर प्रयोग किया, तो इन्होंने जीवाणु भोजी पर प्रयोग किया, बैक्टीरियोफेज पर प्रयोग किया। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो जीवाणु पर आक्रमण करता है। किस प्रकार से आक्रमण करता है, चित्र के माध्यम से समझिए। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, और ये है आपका बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी। कोई भी वायरस जो होते हैं ना, वे अपना जो जिस सेल पर, जिस कोशिका पर आक्रमण करना होता है, उसको इसी तरीके से ही करते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ये वायरस आते हैं, इस बैक्टीरिया से चिपक जाते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके अंदर जो भी डीएनए होगा, ये इस अपने डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर भेज देते हैं। तो ये डीएनए, वायरस का डीएनए चला जाता है बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया नहीं जान पाती कि किसका डीएनए है, वो सोचती हमारा ही डीएनए है, तो अपने उसी डीएनए से वही चीज़ बनाती है। तो इस डीएनए से वायरस ही तो बनेगा। इस प्रकार से इस बैक्टीरिया के अंदर वायरस बनना शुरू हो जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस बनना शुरू हो जाता है। तो इसी का फ़ायदा उठाकर मार्था, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि प्रोटीन और डीएनए में कि कौन आखिर आनुवंशिक पदार्थ है। तो उन्होंने क्या किया, डीएनए को चिन्ह करने के लिए और प्रोटीन को चिन्हित करने के लिए एक काम किया। काम क्या किया, डीएनए में आपको पता है नाइट्रोजन क्षार होता है, शुगर होता है, फास्फेट समूह होता है। फास्फेट समूह होगा तो फास्फोरस तो होगा, डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता। प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस नहीं पाया जाता। तो उन्होंने डीएनए के फास्फोरस को चिन्हित किया। फास्फोरस को उन्होंने P32 लिया,
फास्फोरस 32 का प्रयोग किया और इन्होंने इसमें प्रोटीन में सल्फर 35 का प्रयोग किया चिन्हित के लिए, चिन्ह लगाने के लिए। यानी बैक्टीरियोफेज को एक ऐसे माध्यम में उगाया जिसमें फास्फोरस 32 था, दूसरे प्लेट में एक ऐसे बैक्टीरियोफेज को उगाया जिसमें सल्फर 35 पहुंच गया। ये है सल्फर 35 वाला बैक्टीरियोफेज। देखना चाहते हैं कि इनकी जो नई कोशिका बनेगी इनसे, क्योंकि उनका आनुवंशिक पदार्थ ही उनको नई कोशिका बनाएगा, तो उस नई कोशिका में क्या सल्फर 35 पहुंचता है या नहीं। अगर नई कोशिका में सल्फर 35 पहुंचा तब तो ये क्लियर था कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ होता है। लेकिन जब इन्होंने प्रयोग कराया तो देखा कि ये अपना आनुवंशिक पदार्थ भेजा, आनुवंशिक पदार्थ से जो संतान बनी उसमें सल्फर 35 नहीं था, ठीक है, नहीं था सल्फर 35 नहीं था। तो जो कोशिका में, जो बैक्टीरियोफेज में जो नई बैक्टीरियोफेज बनी है, यानी उसमें जब सल्फर 35 नहीं है तो यानी उसका आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन तो नहीं होगा। दूसरा, जब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, उसके डीएनए को लेबल किया फास्फोरस 32 से, तो उनके संतान में देखा कि फास्फोरस 32 था। यानी इस बैक्टीरियोफेज से जो नया बैक्टीरियोफेज बना, वायरस बना, उसमें फास्फोरस 32 था। तो ये प्रमाण देता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है जो जनक से उनकी संतति में जाता है। बस ये प्रयोग करके उन्होंने सिद्ध किया। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अब आता है आनुवंशिक पदार्थ के गुण डीएनए बनाम आरएनए। डीएनए और आरएनए में क्या गुण है जिसकी वजह से डीएनए ही एक अच्छा आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है, उसको देख लीजिए। पिछली चर्चाओं से स्पष्ट है कि प्रोटीन बनाम डीएनए के बीच जो विवाद आनुवंशिक पदार्थ को लेकर था, अब स्पष्ट रूप से हर्षे और चेज के एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक, सर्वमान्य रूप से सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। लेकिन कुछ विषाणुओं में आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, जैसे टीएमवी, तंबाकू मोज़ेक वायरस, क्यूबीटा बैक्टीरियोफेज, ये सब याद करिए। उसके बाद एचआईवी वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इनमें आनुवंशिक पदार्थ का कार्य आरएनए करता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे कि क्यों डीएनए प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है जबकि आरएनए दूत अनुकूलन का कार्य करते हैं। दोनों न्यूक्लिक अम्ल अणुओं के रासायनिक संरचना में अंतर बताइए। तो इनकी रासायनिक संरचना में आप दो अंतर बता सकते हैं। एक तो ये कि डीऑक्सीराइबोसर्करा में दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है और राइबोसर्करा में पेंटोसर्करा के दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। दूसरा अंतर बता सकते हैं कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। बता सकते हैं दो अंतर। अब कह रहे हैं कि एक आनुवंशिक गुण, आनुवंशिक पदार्थ में क्या क्या मापदंड होने चाहिए। तो सबसे पहला है कि वह अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो। तो डीएनए हो चाहे आरएनए, दोनों ही अपनी प्रतिकृति बनाने में स्वतंत्र रूप से सक्षम होते हैं। लेकिन अब बताया ना कि डीएनए ज़्यादा क्यों है, आनुवंशिक पदार्थ का गुण ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों रखता है, अभी और आगे बताया जाएगा। इसे संरचना और संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। तो डीएनए ज़्यादा स्थिर होता है कंपैरिजन टू आरएनए, आरएनए से ज़्यादा स्थायी होता है डीएनए, क्योंकि डीएनए में सेकेंडरी कार्बन पर, पेंटोसर्कर के सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता। आरएनए पर सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से वो एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है, वो किसी से भी रिएक्ट कर सकता है, स्थिर नहीं होता। आनुवंशिक पदार्थ को स्थिर होना चाहिए, अपने माँ बाप से वो संतान में जब जाएगा तो उसमें कोई परिवर्तन ना हो पाए, एक ऐसा पदार्थ होना चाहिए आनुवंशिक पदार्थ। तो अस्थायी होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें धीमी उत्परिवर्तन भी होनी चाहिए, डीएनए यानी उस आनुवंशिक पदार्थ में उत्परिवर्तन भी होना चाहिए जिससे विविधता उत्पन्न होती है, एक जाति से दूसरी जाति का विकास हो पाए, तो उसमें उत्परिवर्तन भी होने चाहिए। इसे स्वयं मंडल के लक्षण के अनुकूल अभिव्यक्त भी होना चाहिए। तो ये कुछ गुण होते हैं जिनको याद करना होगा। यदि कोई क्षार युग्मन पूरकता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है तो वह पाएगा कि दोनों न्यूक्लिक अम्ल में स्वयं प्रतिकृति की क्षमता होती है। सजीव तंत्र के अन्य अणुओं में जैसे प्रोटीन स्वयं अपने मापदंड के पूर्ण रूप में असफल है। आनुवंशिक पदार्थ इतना स्थायी होना चाहिए कि जीवन चक्र में के विभिन्न अवस्थाओं में कोई भी अवस्था आए जीवन चक्र में वो परिवर्तित ना हो। जीव की शरीर क्रिया में परिवर्तन में इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक आरएनए एक ऐसा अणु है जिसमें परिवर्तन हो सकता है, इसीलिए आरएनए एक अच्छा आनुवंशिक पदार्थ नहीं माना जाता। पदार्थ का अस्थायित्व तो उसकी एक प्रमुख विशेषता है। आनुवंशिक पदार्थ का अस्थायित्व तो यानी स्टेबिलिटी उसकी एक प्रमुख विशेषता है जो ग्रिफिथ के रूपांतरण कारक के उपरांत देखी जा सकती है। यानी जब ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया को गर्म किया तो जीवाणु की तो मृत्यु हो गई लेकिन डीएनए पर कोई असर नहीं हुआ। डीएनए गर्म करने पर दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं लेकिन पुनः ठंडा होने पर दोनों स्ट्रैंड जुड़ जाते हैं।
ठीक। डीएनए के परिप्रेक्ष्य इस बात को और अच्छे से ढंग से समझा जा सकता है कि डीएनए दोनों रज्जु के एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो गर्म करने पर अलग हो जाते हैं लेकिन पुनः उचित स्थिति पर आने पर जुड़ जाते हैं। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह होता है, इस वजह से आरएनए रिएक्टिव होता है, डीएनए से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्रियाशील समूह होने के कारण आरएनए अस्थिर होता है, यानी स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है। आरएनए क्या होता है? अस्थिर होता है, आसानी से विखंडित हो सकता है। इस कारण से डीएनए रासायनिक संगठन की दृष्टि से कम सक्रिय, संरचनात्मक दृष्टि से अधिक अस्थायी होता है। इस कारण दोनों न्यूक्लिक अम्लों में डीएनए एक अच्छा आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है। वास्तव में डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन होने पर उनमें एक अधिक स्थायित्व मिलता है, यानी डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन होने पर भी डीएनए में स्थायित्व प्राप्त होता है। उसके बाद दोनों आरएनए व डीएनए उत्परिवर्तित हो सकते हैं। वास्तव में आरएनए अस्थायी व तीव्र गति से उत्परिवर्तित होता है, परिणाम स्वरूप विषाणुओं में आरएनए जीनोम मिलता है, उसकी जीवन अवधि छोटी होती है, तेजी से उत्परिवर्तित व विकसित होने वाली होती है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे कूट लेखन करते हैं, इसलिए वे आसानी से लक्षण व्यक्त करते हैं। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए पर निर्भर होता है, पहले डीएनए से आरएनए बनता है फिर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन संश्लेषण की सारी व्यवस्था आरएनए से विकसित होती है। उपरोक्त चर्चाओं से स्पष्ट है कि दोनों डीएनए व आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। डीएनए अधिक स्थायी होता है और वह आनुवंशिक सूचनाओं के संचय हेतु सबसे ज्यादा उपयोगी है। आनुवंशिक सूचना के स्थानांतरण हेतु आरएनए उपयुक्त होता है, आनुवंशिक सूचना के स्थानांतरण के लिए आरएनए उपयुक्त होता है, ठीक, लेकिन आनुवंशिक पदार्थ के लिए डीएनए उपयुक्त होता है। अब आता है आरएनए संसार के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा।